नमस्कार दोस्तों, आपका राजस्थान एंड बारी जी के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ दोस्तों, पिछले दो दिनों से सेकंड ग्रेड की तैयारी है वो शुरू हो चुकी है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको पूरे जो भी नोट्स है वो लिखवाए जाएंगे यानी तैयार करवाए जाएंगे। तो राजस्थान का जो जीके है नवीनतम जो घटनाक्रम है राजस्थान का, इंडिया का और विश्व का, वो नाइट में 9 बजे से लेकर 10 बजे के मध्य लाइव के माध्यम से 1 घंटा आपको तैयार करवाया जाता है। तो ये भी आपका 3 महीनों के अंदर पूरा करवा दिया जाएगा। उसके बाद सुबह यानी मॉर्निंग में भारत भूगोल यानी 11 से 12 बजे के बीच है, हम ये लाइव करने की पूरी कोशिश करेंगे कि भारत का भूगोल है वो 11 से 12 बजे यानी 1 घंटा आपको तैयार करवाया जाए, और राजस्थान भूगोल की हम टाइम सेट कर रहे हैं कि आपको कब करवाना है। तो तीनों वीडियो आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे, तो 3 घंटे का है वो आपको टाइम जरूर देंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और ये नोट्स है वो लगभग 3 या 4 महीनों के अंदर पूरे करवा दिए जाएंगे। तो आज पहला ही टॉपिक हम भारत का भूगोल लेते हैं, राजस्थान नवीनतम घटनाक्रम नाइट कोर्स चलता है। तो भारत का भूगोल सेकंड ग्रेड भर्ती के लिए विशेष तौर पर ये नोट्स बनाए गए हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अगर आप ये नोट्स पढ़ लें एक बार ईमानदारी से, अगर पढ़ लें थोड़ी सी गहराई से, तो इनसे बाहर आने वाली कुछ भी नहीं है इन नोट्स। और ज़्यादा लंबा भी ये कोर्स नहीं है, बहुत ही शॉर्टकट यानी बहुत ही सेकंड ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं, और आप देख सकते हैं नोट्स है बहुत ही ज़्यादा नहीं है राजस्थान भूगोल के। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अगर आपके सेकंड ग्रेड में कम 80 या 85 अंक इन नोट्सों को पढ़ोगे तो आराम से आ जाएंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं भारत का भूगोल। तो उससे पहले मैं निवेदन करूँगा सभी की वीडियो एक बार आप जरूर देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करें दोस्तों। तो चलिए हम पहले पढ़ते हैं, भारत में शीर्ष से 5 तटरेखा वाले राज्य क्रमशः कौन से हैं। 5 राज्यों के नाम बताने हैं जो तट रेखा वाले राज्य हैं, और क्रमशः बताने यानी क्रम से कौन कौन से हैं। तो पहला रहेगा गुजरात, पहला राज्य का नाम है गुजरात। दूसरा है आंध्र प्रदेश, गुजरात आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तीसरा रहेगा तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल, महाराष्ट्र और केरल, इनको ये क्रमशः दिए हैं। पहला है गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। प्रश्न क्या है, भारत में शीर्ष 5 तटरेखा वाले राज्य क्रमशः कौन कौन से हैं। तो आप इनको नाम रखना है कि 1 नंबर पे गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि भारत में कर्क रेखा कितने और किन राज्यों से होकर निकलती है, यानी भारत में पहले तो ये पूछा गया कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से निकलती है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि उन राज्यों की संख्या कितनी है, उन राज्यों की संख्या है वो 8, यानी भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अब कौन कौन से राज्य हैं उनके बारे में हम बात करें। पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, यानी पहले गुजरात से गुजरती है, उसके बाद राजस्थान में प्रवेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और अगला रहेगा मिजोरम। तो आपको याद रखनी है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है, कौन कौन से राज्य हैं। तो सबसे पहले गुजरात है, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और लास्ट में कौन सा आता है, मिजोरम में। तो ये 8 ऐसे राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। और भारत के कौन से शहर से, अगर शहर पूछ लिया जाए कि भारत के कौन से शहर से कर्क रेखा गुजरती है, तो वो है रांची। उसका आंसर क्या होगा, वो है रांची। तो इस प्रकार का ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद रखना है कि पहले तो कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरती है, 8 राज्य हैं, और फिर राज्यों के नाम याद रखने हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, पाकिस्तान किस रेखा के सहारे कच्छ के रण का बंटवारा चाहता है, यानी पाकिस्तान किस रेखा के सहारे कच्छ के रण का बंटवारा चाहता है। तो इसका उत्तर रहेगा यहां पर है
बंटवारा जाता है तो ये है, इसका उत्तर है 24 डिग्री अक्षांश से रेखा, अक्षांश से रेखा। तो उस रेखा का नाम पूछा गया कौन, कितने डिग्री पर है, 24 डिग्री अक्षांश से रेखा के यानी कच्छ रण का बंटवारा चाहता है कौन है, पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, सर रेडक्लिफ द्वारा भारत पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण कब किया गया था, यानी जो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनी थी और उस सीमा का नाम क्या था, रेडक्लिफ है, वो कब बनी थी, आपको वो क्या बतानी है, डेट बतानी है। तो वो डेट थी 15 अगस्त 1947 को ये रेखा बनी थी। भारत और पाक के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण कब किया गया था, 15 अगस्त 1947 को इस रेखा का निर्माण किया गया था, क्लिफ रेखा। अगला है, भारत विभाजन के पूर्व भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा का क्या नाम था, यानी जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा, सीमा रेखा की बात कर रहे हैं, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा कब की बात हो रही है, भारत विभाजन के पूर्व की बात हो रही है। तो भारत विभाजन के पूर्व कौन सी रेखा, उस रेखा का नाम था डुरंड रेखा। क्या नाम था, डुरंड रेखा। तो भारत विभाजन के पूर्व यानी भारत अफगानिस्तान की सीमा रेखा का क्या नाम था, डुरंड रेखा नाम था। तो आगे चलिए अगले प्रश्नों के बारे में और अध्ययन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, मेकमोहन रेखा चीन और भारत के किस प्रांत के बीच सीमा का निर्धारण करती है, यानी आपको उस प्रांत का नाम बताना है, वो कौन सा प्रांत है जो भारत और चीन के मध्य मेकमोहन रेखा का निर्माण करता है यानी निर्धारण करता है, तो आप बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश है मेकमोहन रेखा, यानी चीन और भारत के मध्य कौन सा प्रांत बनाता है, अरुणाचल प्रदेश ये रेखा का निर्माण करता है। मेकमोहन रेखा निर्धारण कब किया गया था, यानी मेकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था, उस डेट को आपको बताना है। तो ये तो प्रश्न हो गया पहले, अब दूसरा होता है मेकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था, उस डेट के बारे में बताइए कि वो कौन सी डेट थी, उस समय मेकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था। तो इसका आंसर होगा 27 अप्रैल 1914 में मेकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था। तो आप कह सकते हैं कि मेकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था, 27 अप्रैल 1914 को इसका निर्धारण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का औसत समुद्री तल मापन कहाँ से किया जाता है, यानी भारत का जो औसत समुद्री तल का जो मापन किया जाता है वो राजस्थान नहीं, भारत के कौन से स्थान से किया जाता है, इन कौन से शहर से किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा चेन्नई। सही आंसर क्या होगा, इसका उत्तर चेन्नई होगा। अगला है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा, भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, यानी भारत की सबसे ज्यादा लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन से देश के साथ है, तो आप जानते ही हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बांग्लादेश। ये क्वेश्चन मैं सारे कम्प्लीटली ले रहा हूँ क्योंकि बीच में कोई क्यों छोड़ना नहीं चाहता, मैं सारी कम्प्लीटली एक एक बात को कम्प्लीट करूंगा, ये आप जानते हैं, फिर भी मैंने इसको बताया है। देश का दक्षिणतम बिंदु किस अक्षांश पर स्थित है, तो देश का दक्षिणतम बिंदु आपको बताना है कि किस देश का दक्षिणतम बिंदु किस अक्षांश पर स्थित है, तो इसका होगा उत्तर, में इधर साइड में लिख रहा हूँ, 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश। तो देश का दक्षिणतम बिंदु किस अक्षांश पर स्थित है, दक्षिणतम बिंदु
यहाँ पर 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा राज्य, तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, लेकिन फिर भी मैंने इनको शामिल किया कि कोई चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए जो मैंने नोट्स में शामिल किए हैं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो सबसे बड़ा राज्य की बात करें, भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और राजस्थान का क्षेत्रफल इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और राजस्थान का क्षेत्र है 342,239 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद सबसे छोटे राज्य की अगर बात की जाए तो सबसे छोटा राज्य है गोवा, सबसे छोटा राज्य है गोवा। और इसके क्षेत्रफल की बात करें कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 3,702 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है, 3,702 किलोमीटर है, जो है गोवा। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, यानी भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। तो ये सबसे बड़ा द्वीप समूह है, और आगे आप लिख लीजिए द्वीप समूह। तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, अंडमान निकोबार है। और इसके क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 8,239 वर्ग किलोमीटर है। तो क्षेत्रफल भी आपको क्या रखना है, याद रखना है, क्योंकि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और जिसका क्षेत्रफल है 8,239 वर्ग किलोमीटर। अब अगला क्वेश्चन है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे छोटे की बात की जाए तो यहाँ पर लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप का क्षेत्रफल ओनली बहुत ही कम है, 32 वर्ग किलोमीटर। तो आपको याद रखना है कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद सबसे बड़ा जिला, तो सबसे बड़े जिले की बात करें कच्छ, और कच्छ कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में, कहाँ पर है, गुजरात में। और उसके बाद सबसे छोटे जिले की बात करें वो है माही, तो सबसे छोटा जिला कौन सा है, माही जो पांडुचेरी में स्थित है। तो सबसे छोटा जिला है माही जो पांडुचेरी में स्थित है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगला वीडियो हम आपको जल्द उपलब्ध कराने वाले हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस प्रकार की क्वेश्चन है भारत का भूगोल, राजस्थान, करंट अफेयर, ये सारी वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे। तो सभी से निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करते रहें और ये तैयारी जारी रखें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।